मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग एक्चुअली हमारा दूसरा दिन का जो सफ़र है वो शुरू कर चुके हैं फ्रॉम नागपुर। अभी टाइम हो रहा है 7:30। हम लोग निकले हैं यहाँ से करीब 7:10, 7:15 के आसपास। एक्चुअली जो कल का जो मेरा ब्लॉग था और कल जो वीडियो का जो एंड है वो मैंने नहीं कर पाया। द रीज़न इज़ कि हमारे साथ में कल रात को एक हादसा हो गया। हादसा ऐसा कि मैंने अगोड़ा के थ्रू में एक होटल बुक किया था और हम पहुंच गए। लोकेशन जो अगोड़ा के हिसाब से था उसको हम सर्च करते करते पहुंच गए और वो लोकेशन नहीं मिल रहा था, तो मैंने होटल वालों को कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो पूरा फुल है और हम लोगों ने ऑलरेडी अगोड़ा को इन्फॉर्म कर दिया था। तो हमारा एकदम दिमाग ख़राब हो गया। उस टाइम पे ऑलरेडी रात को 9 बज चुका था और हम लोगों ने ढूंढा एक दो जगह में, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि हमारा एक कोलीग रहते हैं यहाँ पे, तो मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला साहब थोड़ा टाइम दीजिए, मैं चेक करके आपको होटल्स वगैरह बोलता हूँ। तो उन्होंने चेक किया, फिर ये सिचुएशन था कि कल नागपुर में ऑलमोस्ट ऑल सब सोल्ड आउट था, क्योंकि कल कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह था यहाँ पे। तो उन्होंने फिर बोला कि सर आप हमारे घर में आ जाइए और यहीं पे रुक जाइए, क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने उनका मेहमान नवाजी स्वीकार कर लिया और जाके उनके वहाँ रुके थे। तो अभी सुबह सुबह वहाँ से निकल के हम लोग आ रहे हैं और ये आज का जो हमारा जर्नी है अप टू संबलपुर रहेगा। संबलपुर यहाँ से 560 किलोमीटर के आसपास है नागपुर से, और हम लोगों को लगभग 11 से 12 घंटा ट्रैवलिंग टाइम है। थोड़ा टाइम बढ़ सकता है क्योंकि हम लोग थोड़ा ब्रेक वगैरह लेंगे अगर कहीं पे, तो थोड़ा टाइम फिर उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करने के लिए मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं संबलपुर। सुबह का आज का ये पहला टोल है। हम लोग पहुंच गए टोल नाके पे। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रुके थे, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक्चुअली मैं जो बता रहा था, मेरा जो कुलीग है जहाँ जिनके यहाँ हम लोग रुके थे, उनके वाइफ ने सुबह सुबह आलू मटर का पराठा प्लस टमाटर चटनी हमारे लिए बनाए थे, बहुत सारा पैक करके दिए। तो उसी को हम रास्ते में रुक के थोड़ा पेट पूजा कर लिए, फिर अभी टोल प्लाजा की तरफ। पहला टोल आ गया रास्ते में, मथानी। ये जो टोल का नाम है मथानी टोल्स। भंडारा होके जाएंगे, भंडारा यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। तो सुबह का टाइम है, फिर भी ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट में कॉटन का फार्मिंग हुआ है, चारों तरफ कॉटन कॉटन दिख रहा है। ये देखो जो कॉटन फार्मिंग, देखिए बस। तो फ्रेंड्स, ये भंडारा से पहले रोड जो 4 लेन का था ना, वो 2 लेन का हो गया और ट्रैफिक भी थोड़ी बढ़ गई है। इसमें ट्रकें हैं ना, भर भर के आ रही हैं, तो थोड़ा स्लो स्लो मूव करना पड़ रहा है हमको, क्योंकि आगे ये 4 लेन हो जाएगा वापस, क्योंकि ये रोड है बीच बीच में, कहीं कहीं पे 2 लेन है, पूरा 4 लेन हुआ नहीं अभी इसका, तो उसी हिसाब से हमको चलना ही पड़ेगा।
सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुंध, मौसम इतना साफ नहीं है, सर्दियों में जनरली धुंध तो रहेगा सुबह सुबह। सनराइज, सूरज देवता आ गए, निकल गए, लेकिन क्लियरली नहीं दिख रहे, ही इज नॉट क्लियरली विजिबल, राइट मावल? तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग भंडारा पहुंच गए हैं और भंडारा सिटी के बीच में से गुजर रहे हैं। ये जो हाईवे है ये बिल्कुल भंडारा के बीच से ही गुजरती है। थोड़ा है ट्रैफिक, ट्रैफिक ट्रक्स बहुत ज़्यादा है, सुबह का टाइम है, फिर भी ट्रकें चल ही रही है और मार्केट वगैरह खुला नहीं है, अभी मार्केट वगैरह सब बंद है। कहीं कहीं पे हल्का पुल्का कोई ब्रेकफास्ट के लिए जो टी स्टॉल वगैरह टाइप का है ना, ब्रेकफास्ट स्टॉल्स, टी स्टॉल्स वैसे ही खुले हैं, बाकी जो दुकानें हैं एक भी खुला नहीं है, पूरा बंद है। आप देखिए ट्रकें कितने हैं, ट्रकों की एकदम भारी तादाद है, ट्रैफिक भी स्लो मूविंग है। संबलपुर यहाँ से 493 किलोमीटर आज पर बोर्ड प्रोवाइड बाय NHAI और हमारा मैप, अच्छा हमारा मैप होटल तक का 494 किलोमीटर बता रहा है। तो फ्रेंड्स, भंडारा क्रॉस करके हम लोग निकल चुके हैं और अभी आगे जो बड़ा सिटी आएगा राजनंदगांव, और उसके बाद में दुर्ग, भिलाई, रायपुर और फिर संबलपुर। तो पीछे जो दुर्ग का डिस्टेंस कुछ 170 किलोमीटर दुर्ग बता रहा था, और राजनंदगांव कितना 40-50 किलोमीटर रहना चाहिए यहाँ से, और वो टू लेन वाला सड़क ख़त्म हो गया है और अभी हम फोर लेन वाले सड़क में आ गए हैं और ठीक ठाक स्पीड मेंटेन करके चल पा रहे हैं। ट्रैफिक है लेकिन इतना नहीं है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रक्स आ रहे हैं, आराम से चल रहे हैं हम लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है। ब्रेकफास्ट सबका हो गया है और इसमें रोड में कोई दुकान वगैरह भी नहीं दिख रहा है, तो आदमी अगर सोचे भी थोड़ा चाय पीना है करके तो चाय मिलना भी मुश्किल है। तो धर्मपत्नी जी खुश होंगे आज काफ़ी कि मेरे पति चाय नहीं पी रहा है आज, अच्छा हुआ उसको चाय नहीं मिल रहा है, उसका मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में और संबलपुर तक का जो जर्नी है आप लोग भी एंजॉय कीजिए इस रोड ट्रिप को। तो फ्रेंड्स, फिर से हम लोगों को टू लेन सड़क मिल गई है, फोर लेन ख़त्म हो गया है, यहाँ पे काम चालू है वैसे फोर लेन का, और इसके लिए ट्रैफिक का थोड़ा स्लो मूवमेंट है और आगे से भी गाड़ियाँ आ रही है, पीछे से भी यही रूट पे ही गाड़ियाँ जा रहे हैं और ये एकदम डेंस फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम लोग जा रहे हैं अभी। यहाँ पे पीछे एक वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग का बोर्ड भी दिखा था, मतलब जंगली जानवर जो है इस रास्ते में आना जाना करते हैं, तो अगर रात को ट्रैवल करेंगे तो शायद आपको कोई नज़र में आ जाए, लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, जंगल बहुत ही घना है, बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी, आर यू एंजॉइंग? ये जोर में नहीं बोल, जोर से नहीं बोल सकते। यहाँ पे डस्ट ना उड़े इसके लिए पानी डाला हुआ है, नहीं तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ता था। जनरली कंस्ट्रक्शन साइट में जहाँ पे भी रोड डाइवर्जन दिया जाता है वहां पे जनरली पानी डालते हैं ताकि डस्ट ज्यादा ना उड़े, डस्ट उड़ेगा तो पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, रास्ता कुछ दिखना बंद हो जाता है।
फ्रेंड्स, हम लोग जस्ट छत्तीसगढ़ में एंट्री किए हैं। ये इधर लेफ्ट साइड में ट्रक के लिए चेक पोस्ट बना हुआ है, तो ट्रक लोग जाएंगे वहाँ पे, उनका क्लियरेंस करके फिर वो आगे जाएंगे। और कार के लिए यहाँ पे छोटा सा बैरिकेटिंग था और बैरिकेटिंग क्रॉस करके आप जा सकते हो। तो ये जो है आगे रास्ता है, ये ट्रकों का निकलने का रास्ता है। कार स्ट्रेट जा सकते हैं, स्ट्रेट। ये देखिए ट्रक निकल रहा है ना, उधर से चेक पोस्ट से ही निकला हुआ है। तो यहाँ से दुर्ग 93, रायपुर 138 एंड बिलासपुर 259 किलोमीटर आएगा। हम लोग शेड्यूल जो है ना मेंटेन करके चल रहे हैं। वैसे हमारा जो अराइवल टाइम है, जब स्टार्ट किए थे तो 6:30 के आसपास बता रहा था, अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, 6 बजे का बता रहा है। तो आगे चलते चलते और भी थोड़ा कम होने का उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ने खाना कैरी किया है, तो हमारा जो खाने पीने के लिए जो टाइम है ना, वो वेस्ट नहीं होगा, तुरंत करके निकल सकते हैं। और यहाँ से बॉर्डर से संबलपुर का जो दूरी है वो 405 किलोमीटर का है, मतलब संबलपुर 400 किलोमीटर के आसपास रहेगा। हमारा होटल तक की दूरी 405 किलोमीटर। हम लोगों ने जो मैंने जो होटल बुक किया है वो ओडिशा टूरिज्म का, 500 शाला करके एक होटल आता है, होटल चेन, उसमें बुक किया है। तो वो अच्छा रहता है ऐसा मैंने सुना है, जाने के बाद पता चलेगा कैसा है। आज तो पक्का यकीन है कि कल जैसा हालत नहीं होगा। तो चलिए हम अच्छे के उम्मीद करते हुए आगे बढ़ चले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये देखिए फ्रेंड्स, नज़ारा देखिए। छत्तीसगढ़ में एंट्री करते ही जंगल शुरू हो गया। वैसे महाराष्ट्र में जंगल था, लेकिन बीच बीच में गांव वगैरह भी आता था। यहाँ पे तो एकदम उससे भी ज़्यादा घना जंगल है, और जो ट्री है ना, पेड़ भी चेंज हो गए हैं। पेड़ों की जो शक्ल सूरत है उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। कितना घना जंगल देखिए, जंगल को चीरते हुए रास्ता जा रहा है बीच में से। फ्रेंड्स, इस रास्ते को जितना भी देखोगे ना, आपको उतना ही कम लगेगा। मतलब लग रहा है कि बार बार देखता रहूं। इतना खूबसूरत रोड है ना, जंगल के अंदर एकदम रोड है ना, लहराती बलखाई हुई सड़क जा रही है, बहुत ही मजा आ रहा है। और ऐसा रोड में ना मैक्सिमम आप 80, 85, 90 के अंदर अगर ड्राइव करते हो ना, तो उसका मजा है ना बहुत ही अलग ही होता है। देखिए कितना अच्छा सड़क है। बीच बीच में आपको गैस स्टेशन वगैरह मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं है। और इस रोड पे मतलब छत्तीसगढ़ एंट्री करने के बाद में हम लोग को एक भी गांव अभी तक नहीं मिला, पूरा जंगल के अंदर ही चल रहे हैं। ये एक ढाबा दिखा अभी हमारे लेफ्ट साइड में, अभी थोड़ा गांव दिखने लगा, इससे पहले तो पूरा ही पूरा जंगल। तो फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ पहुंचे, राजनंदगांव। यस, छत्तीसगढ़ पुलिस, वी आर इन राजनंदगांव एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रायपुर। रायपुर की तरफ जा रहे हैं अभी। यहाँ पे एक बोर्ड लगा था, भारतीय स्टेट बैंक राजनंदगांव शाखा आपका स्वागत करता है। शहर अच्छा लगा मुझे राजनांदगांव, बड़ा साफ सुथरा शहर। पहली बार हम लोग आए हैं यहाँ पे,
और लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मैं जब से नागपुर छोड़ा हो और छोड़ने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा, जितने भी बाइक वाले किसी के पास में हेलमेट नहीं है, सब ऐसे ही चलाते हैं बिना हेलमेट के। पता नहीं यहाँ पे पुलिस वाले कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन हेलमेट तो कम से कम यूज करना चाहिए। और ये राजनांदगांव को अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद में दुर्ग भिलाई रायपुर होते हुए हम संबलपुर तक जाएंगे। खूबसूरत रायपुर शहर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इस रोड में मॉल्स वगैरह बहुत दिख रहा है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, और ये ट्रक वाला हमें बहुत परेशान कर रहा है। ये पूरा सिटी के बीचों बीच हम लोग जा रहे हैं अभी। देखिए टाइम हो रहा है 3:20, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज गए। मुंबई में तो 6 बजे भी इससे ज़्यादा लाइट रहता है, एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया है। मतलब 4 बजे तक पूरी लाइट चली जाएगी लगता है, क्योंकि हम वे आर हेडिंग टूवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पे सनसेट ज़्यादा पहले हो जाता होगा, इसके लिए ये आलम है। मुश्किल से कुछ हल्की हल्की लाइट बची है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जस्ट अभी संबलपुर में एंट्री ले रहे हैं, और ये जो ब्रिज दिखाई दे रही है आपको, ये महानदी रिवर के ऊपर बनाई गई ब्रिज है। इसके लेफ्ट साइड में हीराकुद का जो रिजर्वर है, डैम है, वो मिलेगा आपको। हमें यहाँ से होटल तक पहुँचने के लिए
10-15 मिनट और लगेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ में, होटल में जाने के बाद में हम इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बने रहिए हमारे साथ में। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली आके पहुंच गए संबलपुर में। हम लोग यहाँ पे 6 बजे पहुँचे शाम को, और अभी हम लोग आके हमारा जो होटल बुक किया था वहाँ पे रुके हुए हैं। फिर कल सुबह हम लोग निकलेंगे यहाँ से। कल सुबह का प्लानिंग ऐसा है कि पहले तो हम लोग जाएंगे एक यहाँ पे फेमस माँ का मंदिर है, माँ समलेश्वरी मंदिर। उसके बाद में मामली को देखना है थोड़ा, हीराकुड डैम देखेंगे। फिर कुछ शॉपिंग वगैरह करने का प्लान है। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से भुवनेश्वर के लिए निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर कल सुबह, और ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं, गुड नाइट।